आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। तुम आ गए चराहों से लो जा रही थी। दोस्तों, इंसान चला जाता है लेकिन उसकी अच्छाइयाँ और अच्छे काम हमेशा सबको याद रहते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है कि वो मशहूर हस्ती जिन्होंने लगभग 40 सालों तक बेशुमार सुपरहिट फिल्में बनाई थीं, अब नहीं रहे। और वो थे मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर जे ओम प्रकाश। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सावर छूट जाता है। छूट 7 अगस्त सन 2019 में ओम जी ये दुनिया छोड़ के चले गए 93 की एज में। वो बहुत अच्छी बातें किया करते थे। वो अक्सर कहते थे कि ये दुनिया क्या है, रेल का एक डब्बा है। मुसाफिर आते हैं, बैठते हैं और जब जिसका स्टेशन आता है वो उतर के चला जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। 24 जनवरी 1927 में पैदा हुए थे ओम जी सियालकोट में, जो अब पाकिस्तान में है, एक पंजाबी हिंदू परिवार में। उनके पिता का नाम था जगत राम आशका और वो आर्य समाजी थे और टीचर भी थे। ओम जी कहते थे कि मैंने तो जो कुछ भी सीखा अपने पिता से सीखा। अक्सर वो एक शेर सुनाते थे, किताबों में क्या धरा है बंदे, किताबों में क्या धरा है बंदे, सबक ले जिंदगी का जिंदगी से। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। 1947 में पार्टीशन हो गया और पार्टीशन के बाद ओम जी अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उनकी मुलाकात हुई मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर मोहन सहगल से और ओम जी उनके साथ काम करने लगे बहसियत प्रोडक्शन कंट्रोलर। ओम जी बहुत पुशिंग थे, बहुत जल्दी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमा लिए और 1961 में वो खुद प्रोड्यूसर बन गए। और बहसियत प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म का नाम था आस का पंछी और वो सुपरहिट हो गई। तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का हार। 1961 के बाद ओम जी ने कई सुपरहिट फिल्में बनाई बहसियत प्रोड्यूसर और 74 में वो खुद डायरेक्टर बन गए और बहसिया डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी आपकी कसम और वो भी सुपरहिट हो गई। जय जय शिव शंकर, काटा लगे न शंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। मुंबई आने के बाद 1948 में ओम जी ने शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम है पद्मावती और उनकी एक ही बेटी है और बेटी का नाम है पिंकी। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर राकेश रोशन ओम जी के
दामाद हैं, सन इन लॉ। और ये बताना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के दौर के टॉप मोस्ट हीरो ऋतिक रोशन ओम जी के ग्रैंडसन हैं। ओम जी का इंटरव्यू मैंने कई बार लिया, रेडियो पे भी और टेलीविज़न पे भी। वो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते थे और बोलने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा था उनका। अब इजाज़त हो तो एक सवाल कर लूं? कर लो, मैं ना भी कराऊं मैं ना भी करूं तो तुम कौन से बाज आने वाली हो, क्योंकि आदत से मजबूर हो। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपकी फिल्मों का संगीत हिट नहीं सुपरहिट होता है। शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूंगी कि गीत का जन्म कैसे होता है और उसमें गीत और संगीतकार के अलावा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तबस्सुम एक फिल्मी गीत बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। दी हुई सिचुएशन पे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे संगीतकार दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी तरफ से प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। दरअसल ये एक इंडिविजुअल मैटर है। अब जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं खुद तलाश में रहता हूँ नए नए ख्यालों के लिए, नए नए मजमून का। और उसके लिए क्या है कि मुझे मुताला बहुत करना पड़ता है, शौक़ भी है, बहुत से शोरा का कलाम पढ़ता रहता हूँ। अभी चंद रोज़ पहले एक शेर पढ़ा था, अभी तक जहन पर छाया हुआ है, सुना? इरशाद, नेकी और पूछ पूछ। अब देखिए कि एक शायर ने लफ्जों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से किया है। अच्छा। वैसे बरसात का मौसम है। हाँ? शेर हसफाल भी है। अच्छा। फरमाते हैं कि घर टपकता है, घर टपकता है और उस पे घर में वो मेहमान है। वाह। घर टपकता है और उस पे घर में वो मेहमान है, पानी पानी हो रही है आबरू बरसात में। वाह वाह, पानी पानी हो रही है आबरू बरसात में। अब देखिए लफ्जों का इस्तेमाल है, अब इनसे फायदा उठा के हम फिल्म के डायलॉग्स में भी ये प्रोज ला सकते हैं, और अगर चाहें तो एक अच्छा सा खूबसूरत गाना भी बन सकता है इस शेर की मदद से। जी। तो बात हो रही थी गीत के जन्म की, आपने पूछा गीत कैसे बनता है। जी। तो क्या है, कभी कभी तो गीत चंद मिनटों में बन जाता है और कभी कई दिन लग जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक फिल्म बनाई थी मैंने, आन मिलो सजना। जी। तो म्यूजिक की डिस्कशन के सिलसिले में अपने साथ ही कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मशहूर गीतकार आनंद बख्शी बैठे हुए सिचुएशन को डिस्कस कर रहे थे, तो कई लम्हात खामोशी में बीत गए। तो अचानक बख्शी साहब उठ के खड़े हो गए। वो कहते हैं कि आज कुछ बात बन नहीं रही ओम जी, अच्छा तो हम चलते हैं। तो लक्ष्मी जी फौरन बोले, फिर कब मिलोगे? तो बख्शी जी बैठ गए और तबस्सुम उस वक्त के मकबूल तरीन गाने ने चंद मिनटों में जन्म लिया। मेरा ख्याल है कि वो गाना हम दर्शकों को जरूर दिखा दें। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं, नरसों। कहाँ? यही, यहाँ कोई आता जाता नहीं। ये सदाबहार हमेशा याद रहने वाला गाना चंद मिनटों में बन गया था। ओम जी, मैं चाहती हूँ कि अब आप हमें कोई ऐसा गाना भी बताएं जिसे बनाने में काफ़ी वक्त लगा हो। तबस्सुम, कुछ 22 बरस पहले मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठा था, म्यूजिक की ही डिस्कशन चल रही थी, और एक गाने की जस्तजू का वो पांचवा रोज था। आज वो म्यूजिक डायरेक्टर मेरे प्यारे दोस्त हमारे बीच में नहीं है, जयकिशन जी। जी हाँ। हसरत साहब भी थे। कुछ बात बन नहीं रही थी, मैं उन दिनों में नून मीम राशिद का कलाम पढ़ रहा था। सिचुएशन वैसे रोमांटिक थी, तो सोच सिर्फ ये रहे थे कि कुछ नया पान आ जाए। तो राशिद साहब की मैंने एक नज्म पढ़ी, वो मैंने जयकिशन जी और हसरत जी को सुनाई। अच्छा। पूरी तरह याद नहीं है। वो लिखते हैं कि सोचता हूँ मैं उसे वाकफ उल्फत ना करूँ, सोचता हूँ मैं उसे वाकफ उल्फत ना करूँ, वो मोहब्बत की भला ताप कहाँ लाएगी, खुद तो वो आतिश जज्बात में जल जाएगी और दुनिया को इस अंजाम पर तर पाएगी, सोचता हूँ मैं उसे वाकफ उल्फत ना करूँ। तो इतना असर हुआ इस नज्म का
जय किशन जी और हसरत साहब पे कि शाम तक हमारा गाना तैयार हो गया और जिस गाने ने जन्म लिया वो गाना मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में सुनिए। तुम कम सिन हो, नाजा हो, नाजुक हो, भोली हो, सोचता हूँ मैं कि तुम प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। ओम जी मुझे बहुत ज्यादा चाहते थे और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि 1995 में शारदा कला केंद्र ने फिल्मों में मेरी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की थी। उस वक्त 95 में फिल्मों में मुझे 50 साल पूरे हो गए थे और बड़ी धूमधाम के साथ एक शो किया गया था। ओम जी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो आए और मुझे आशीर्वाद दिया। ये बहुत ही हसीन शाम जब हम तबस्सुम की सिल्वर जुबली नहीं गोल्डन जुबली मना रहे हैं। वो शेर है ना कि एक ही तबस्सुम है हर कली के हिस्से में, एक ही तबस्सुम को हर कली तरसती है। तो मैं अगर बोलता जाऊं तबस्सुम के लिए तो शायद और समय ले लूं। बस अंत में इतना ही कहूंगा कि ये जो अभी बचपन से जवानी आई है, जवानी से फिर अधेड़ और फिर बुढ़ापे तक इसी तरह ये मसरतें फैलती जाए, इसी तरह ये तबस्सुम के फूल खिलाती जाए और हम सिर्फ यही कहें, मेरी ही फिल्म का एक गाना था कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। ओम जी कहते थे कि भगवान मुझ पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है, उसने मेरी हर तमन्ना और हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, उनकी एक ख्वाहिश ऐसी थी जो पूरी नहीं हो सकी। वो चाहते थे कि वो अपने पोते ऋतिक रोशन को अपनी किसी फिल्म में डायरेक्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते।